हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सोनू गंथोलिया। आज हम क्लास सेवेंथ की एनसीईआरटी का चैप्टर टू पढ़ रहे हैं। इसका नाम है न्यू किंग्स एंड किंगडम। बहुत सारी नई डायनेस्टी इमर्ज हुई थी सेवन सेंचुरी के बीच में। मैप वन में हमें दिखेगा कि जो मेजर रूलिंग डायनेस्टी थी जो अलग अलग पार्ट्स में रूल कर रही थी सेवन से लेकर ट्वेल्थ सेंचुरी के बीच में, जैसे कि यहाँ पर चमनास, गुजर, प्रतिहारास, चंडेला, परमार्स और यहाँ पर चोला चेरा, पांड्यास, पलाज। तो एक बहुत सारी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डायनेस्टीज थी। अब द एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, मतलब उन नई डायनेस्टीज़ का एमरजेंस कैसे हुआ। सेवन सेंचुरी के बीच में बहुत सारे बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स और वेरियर चीफ थे जो कि अलग अलग रीजन्स में रूल करते थे उस सब कॉन्टिनेंट के। अब जो वहाँ के जो मेजर डायनेस्टीज़ के जो किंग थे वो उन्हें सबॉर्डिनेट या सामंतास कहा करते थे। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि सामंत उन्हें गिफ्ट या फिर रेवेन्यू दिया करेंगे और जब उन्हें युद्ध के मैदान में उनकी आर्मीज की ज़रूरत होगी तो उन्हें मिलिट्री पावर भी प्रोवाइड करेंगे, मिलिट्री सपोर्ट भी देंगे। तो जब कुछ सामंतास के पास पावर आ गई, वेल्थ या फिर आ गई, तो उन्होंने अपने आप को महासमंता या फिर महामंडलेश्वर डिक्लेयर कर दिया। और कभी कभी वो अपने जो ऊपर जो उनके राजा हुआ करता था उसको भी ओवर पावर करने की कोशिश किया करते थे। ऐसा ही एक किस्सा है राष्ट्रकूटास जो कि डेकन में थे, वो पहले सबॉर्डिनेट थे चालुक्यास जो थे कर्नाटक में उनके। फिर मिड एट्थ सेंचुरी में डंडी दुर्गा एक राष्ट्रकूट चीफ था, उसने अपने चालुक्य राजा को सिंहासन से हटा दिया और एक रिचुअल परफॉर्म किया जिसको कहा जाता है हिरण्या गर्भ, जिसका मतलब होता है गोल्डन बॉम्ब। इसमें क्या होता है कि जो ब्राह्मण जो भी सेक्रीफाइजर इसे परफॉर्म करवाता है उसको ये मान लिया जाता है कि इस रिचुअल के परफॉर्म होने के बाद उसकी जो वर्ण है, जो उसकी चार वर्ण है उसमें वो क्षत्रिय पैदा हो जाएगा। मतलब अगर वो क्षत्रिय नहीं है तो इसको करने के बाद उसकी जो वर्ण है उस वो क्षत्रिय में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे वो राज करने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब दूसरे केसेस में हमने देखा है कि जो लोग हुआ करते थे बिजनेस फैमिलीज से, उनके पास मिलिट्री स्किल्स हुआ करती थी जिससे वो अपने किंगडम्स को आगे बढ़ा पाए। इसी के तौर पे एक एग्जांपल दिया गया है कदम्पा मयूर शर्मन का और गुज्जर प्रत्यारा हरिश्चंद्र का, जो कि ब्राह्मण थे। उन्होंने अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन जो कि वेदास पढ़ना था उसे छोड़ा और हथियार उठा लिए और बाद में उन्होंने सक्सेसफुल किंगडम्स की शुरुआत की कर्नाटक और राजस्थान में। एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम, बहुत सारे नए जो राजा थे उन्होंने बहुत सारे हाईएस्ट साउंडिंग टाइटल्स जैसे महाराजा, अधिराज और त्रिभुवन चक्रवर्तन जैसे टाइटल्स का इस्तेमाल किया। इन क्लेम्स के बावजूद भी वो अपनी पावर सामंत और पीजेंट ट्रेडर और ब्राह्मण्स के साथ शेयर किया करते थे। अब इन स्टेट्स में जो रिसोर्स ऑब्टेन किए जाते थे वो प्रोड्यूसर से किए जाते थे, जैसे पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस, और हमेशा उन्हें कहा जाता था कि वो उन पर प्रेशर बनाया जाता था कि जो भी वो उगा रहे हैं या फिर जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका कुछ पार्ट राजा को दे दें। कभी कभी ये रेंट के रूप में दिया जाता था और कभी कभी ये उनको प्रेशराइज करके भी लिया जाता था उनसे। ये जो रिसोर्सेस लिए जाते थे ये यूज़ किए जाते थे राजा टेंपल्स के कंस्ट्रक्शन में, फोर्ट्स के कंस्ट्रक्शन में, जो वॉर्स में जो हथियारों की ज़रूरत होती थी उन्हें खरीदने के लिए, और ट्रेड रूट्स के में जो जगह है उसको और अच्छी तरह से बनवाने के लिए ताकि ट्रेड और अच्छी तरीके से हो सके। अब जो फंक्शनरीज थे, मतलब जो लोग थे जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे वो इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज से हुआ करते थे जिनकी पोजीशन ज़्यादातर हेरिडिटरी हुआ करती थी। यही जो बात है वो आर्मीज के साथ भी थी। बहुत सारे केस में जो क्लोज रिलेटिव्स हुआ करते थे राजा के उनके पास ही ये आर्मी की पोजीशंस हुआ करती थी। अब प्रशस्तीज
और लैंड गार्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रशस्ती में डिटेल हुआ करती थी, पर वो डिटेल ज़्यादातर सच्ची हुआ करती थी, क्योंकि जो प्रशस्ती लिखी जाती थी वो कोर्ट राइटर्स के द्वारा लिखी जाती थी, जो हमेशा अपने राजा की तारीफ किया करते थे उन प्रशस्ती में। अब जब वो जो राइटर्स हुआ करते थे ज़्यादातर ब्राह्मण हुआ करते थे, तो राजा उनको रिवॉर्ड दिया करते थे। रिवॉर्ड के तौर पर कभी कभी एक पूरी ज़मीन दे दी, और इस चीज़ को वो रिकॉर्ड करवाया करते थे कॉपर प्लेट्स पे कि उन्होंने किस किस को ज़मीन दी है। अब 12th सेंचुरी में एक लॉन्ग संस्कृत पोएम लिखी गई थी, जिसमें बहुत सारे राजा की इतिहास लिखा गया था जिन्होंने कश्मीर पर राज किया था। इसको लिखा था एक राइटर था, इसका नाम था कलहन। उसने बहुत सारे सोर्स का इस्तेमाल किया था, पर जैसे कि बाकी लोग जो प्रशस्ति में हमेशा तारीफ लिख रहे थे, उन्होंने रूलर्स की जो पॉलिसीज हैं उनको क्रिटिसाइज भी किया था जहाँ पे उनको ज़रूरत ऐसी महसूस हो रही थी। वॉरफेयर फॉर वेल्थ, हमने ये नोटिस किया है कि जितनी भी रूलिंग डायनेस्टी थी वो एक स्पेसिफिक रीजन पर बेस्ड थी। इसी समय पर वो उन्होंने दूसरे एरियाज़ को भी कंट्रोल करने की कोशिश की। एक ऐसा ही एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन था जिसको कहा था कन्नौज, जो कि गंगा वैली में था। सदियों से वहाँ पे गुज्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूटास और पल्ल डायनेस्टी उसके कंट्रोल के लिए लड़ते आ रहे थे, इसीलिए इसको थ्री पार्टी कन्फ्लिक्ट भी कहा जाता था। और हिस्टोरियंस ने सिर्फ एक टर्म दिया था जिसको कहते हैं थ्री पार्टी आर्ट स्ट्रगल। अब जो रूलर्स हुआ करते थे वो अपनी जो पावर है और रिसोर्सेज को दिखाने के लिए बड़े बड़े टेंपल्स बनाया करते थे। तो जब वो दूसरे राज्यों पे हमला किया करते थे तो वो टेंपल्स को टारगेट किया करते थे, क्योंकि जो टेंपल्स हुआ करते थे बहुत ही ज़्यादा रिच हुआ करते थे। इनके बारे में हम चैप्टर 5 में और डिटेल में पढ़ेंगे। एक इम्पॉर्टेंट ऐसे ही रूलर हुए हैं जिनका नाम है महमूद ऑफ गजनी, जो कि अफगानिस्तान के थे। उन्होंने रूल किया था 997 से लेके 1030 तक, और उन्होंने ज़्यादातर जो इंडिया के वेल्थी टेंपल्स थे जैसे सोमनाथ जो गुजरात में था उसको बहुत बार मतलब उस पर हमला किया था, पूरी तरीके से सारी वेल्थ उसकी ले ली थी, और उसका इस्तेमाल उन्होंने अपनी कैपिटल सिटी जो गजनी बनाने में इस्तेमाल किया था। सुल्तान महमूद इस बारे में भी बहुत इंटरेस्टेड था कि जिसको उसने कॉन्कर किया है उस वहाँ के लोगों का कल्चर क्या है, इसीलिए उसने अपने साथ एक स्कॉलर को लिया था जिसका नाम था अलबरूनी। उन्होंने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक लिखी थी जिसका नाम था किताब उल हिंद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेस है अभी भी हिस्टोरियंस के लिए। उसने इसको लिखते समय संस्कृत स्कॉलर्स की भी मदद ली थी। बहुत सारे दूसरे किंग्स भी थे जिनको कहा जाता था चमनास, आगे चल के इनका नाम हुआ चौहान, जिन्होंने दिल्ली और अजमेर के रीजन्स के पास रूल किया। उनके इम्पोर्टेंट एक जो राजा हुआ है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका नाम था पृथ्वीराज थर्ड, जिन्होंने 1168 से लेकर 1192 तक राज किया था। उन्होंने सुल्तान मोहम्मद गौरी को हरा दिया था 1191 में, पर 1192 में उनसे हार गए थे। अब एक क्लोज़र लुक लेते हैं चोला किंगडम के तौर पे, उरायूर से लेकर थंजावुर। अब चोला पावर में कैसे आए, एक माइनर चीफली फैमिली हुआ करती थी जिसका नाम था मुथैयार, जो कि कावेरी डेल्टा में उसकी पावर हुआ करती थी। वो सबॉर्डिनेट थे पल्लवा किंग्स के जो कि कांजीपुरम में रूल किया करते थे। विजय आले जो कि एंशंट चीफली फैमिली थी चोलास की उरायूर में, उन्होंने मुथैयार को हरा दिया 9th सेंचुरी में। उन्होंने एक टाउन बनाया तंजावुर का और एक टेंपल बनाया जो कि डेडिकेटेड था गॉडेस निशुम वासुदिनी। जो सक्सेसर थे विजय आले के, उन्होंने जो नेबरिंग रीजन्स थे किंगडम के उन्हें साइज में बढ़ाया और
जो पंड्यंस और पल्लव टेरिटरीज थी नॉर्थ और साउथ में, उनको भी हरा के अपने किंगडम का पार्ट बना लिया। अब जो राजा राजा वन थे उन्हें सबसे ज़्यादा पावरफुल चोला रूलर माना जाता है, जो कि राजा बने थे 985 में। उन्होंने अपना पावर को एक्सपेंड किया और उन्हें सबसे बेटर एडमिनिस्ट्रेटर माना जाता है। राजा राजा का जो बेटा था राजेंद्र वन, उन्होंने भी उन्हीं की पॉलिसीज को कंटिन्यू किया और उन्होंने गंगा वैली के पास का जो रीजन था वहाँ पे भी रेड किया, श्रीलंका और जो कंट्रीज थी साउथ ईस्ट एशिया की, उसको भी उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश की। स्प्लेंडेड टेंपल्स एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, जो बड़े बड़े टेंपल्स थे थंजावुर और गंगाईकोंड कोंडा चोलापुरम के, वो बनाए थे राजा राजा और राजेंद्र ने, जो कि एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आर्किटेक्चर और स्कल्पचर मार्वल्स का। मतलब वहाँ की आर्किटेक्चर कितना अच्छा था और स्कल्पचर्स कितने अच्छे थे, उसका एक फाइन एग्जांपल है ये टेंपल्स। अब जो चोला टेंपल्स थे वो एक न्यूक्लियाई बन गए थे सेटलमेंट के, मतलब इसका मतलब ये है कि जो टेंपल्स थे उन्हीं के आसपास शहर बसना स्टार्ट हो चुके थे, जो उसके आसपास का लैंड हुआ करता था उससे जो रेवेन्यू जनरेट हुआ करता था उससे, बाकी के जो स्पेशलिस्ट थे जो कि टेंपल में काम किया करते थे, जैसे कि प्रीस्ट, गार्लैंड मेकर्स, कुक, स्वीपर, म्यूजिशियंस, वो उनको देने में काम आता था। तो दूसरे शब्दों में कहें तो टेंपल्स सिर्फ पूजा करने का ही स्थान नहीं था, वो हब था इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल लाइफ का भी। अब क्राफ्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है टेंपल का, तो जो ब्रॉन्ज इमेजेस बनाई जाती थी वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टिंक्टिव थी, वैसी ब्रॉन्ज इमेजेस कहीं नहीं बनाई जाती थी। जो चोला ब्रॉन्ज इमेज थी वो सबसे फाइनेस्ट मानी जाती हैं पूरे वर्ल्ड में। बहुत सारी इमेजेस ज़्यादातर हमेशा भगवानों की बनाई जाती थी, पर कुछ इमेजेस डिवोटीज की भी, मतलब भक्तों की भी बनाई जाती थी। एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं चोलास के, पर वो किस वजह से पॉपुलर हुए और पॉसिबल हो पाए, एग्रीकल्चर की वजह से। अब अगर हम मैप 2 को देखें तो हमें पता चलेगा कि जो कावेरी रिवर है वो बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स में बढ़ जाती है बे ऑफ बंगाल में जाने से पहले। इससे क्या होता है कि जो आस जहाँ जहाँ वो जाती है उसके किनारों पर जो एरिया है उसकी जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है, मॉइस्चराइज हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल हो जाती है, खासकर राइस के कल्टीवेशन के लिए। अब एग्रीकल्चर डेवलप हुआ दूसरे पार्ट्स में, जैसे तमिलनाडु 5th और 6th सेंचुरी के बीच में, यहाँ पे बहुत बड़े तौर पर कल्टीवेशन होने लगा, फॉरेस्ट को क्लियर किया जाने लगा बहुत सारे रीजन्स में, और जो डेल्टा रीजन था उसमें एम्बार्कमेंट्स बनाए गए जिससे कि फ्लडिंग को रोका जा सके, और कैनाल्स भी बनाए गए जिससे जो पानी है वो खेतों तक लाया जा सके, और बहुत सारे एरियाज में 2 क्रॉप्स भी उगाई जाने लगी एक ही साल में। बहुत सारे केसेस में ये बहुत ही ज़रूरी हो गया था कि जो वाटर को, मतलब क्रॉप्स को पानी दिया जाना चाहिए वो आर्टिफिशियली, मतलब पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर राइस की खेती होती थी, इसलिए उन्हें आर्टिफिशियल इरीगेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। इसके लिए जो कुएं खुदवाए गए, बहुत सारे एरियाज में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हुई। अब ये बहुत बहुत ही ध्यान रखने वाली है कि जो इरीगेशन की जो प्रोसेस थी उसमें प्लानिंग की ज़रूरत थी होती है, लेबर को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। इसके लिए जो वहाँ के राजा थे और आसपास के लोग थे वो बहुत ही ज़्यादा कीन इंटरेस्ट लिया करते थे, इसलिए वहाँ का एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस हो पाया। अब द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर, अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था एम्पायर का, जो सेटलमेंट्स थी पीजेंट्स की उन्हें कहा जाता था उर, और जो बड़े बड़े मतलब विलेज को मिला के एक बहुत बड़ा स्टेट बनता था उसको कहा जाता था नाडू। जो विलेज काउंसिल और जो नाडू थे वो मिलके बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म किया करते थे,
जैसे कि जस्टिस और टैक्स कलेक्ट करना। बड़े बड़े पीजेंट जैसे जो कि बेल्ला कास्ट के थे, उन्हें बहुत बड़े बड़े मतलब पावर्स दी गई, जैसे कि वो नाडू में के जो जितने भी काम होते थे उनको सुपरवाइज किया करते थे सेंट्रल चोला गवर्नमेंट के अंडर में। जो चोला किंग्स थे उन्होंने बड़े बड़े लैंड ओनर्स को टाइटल्स दिए, जैसे मुबेद द वालान और अरैयार, जिनसे उन्हें पता चलता था कि एक तरीका होता था उन्हें रिस्पेक्ट देने का, और जिससे उन्हें इम्पोर्टेंट ऑफिस भी दिए जाते थे सेंटर में, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमीर थे। टाइप्स ऑफ लैंड, अब चोला इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत तरीके के कैटेगरीज के बारे में पता चला है लैंड्स की, जैसे वेरन बगाई, ये लैंड दिया जाता था नॉन ब्राह्मण पीजेंट प्रोस्पेक्टर्स को। ब्रह्मदे, ये लैंड गिफ्ट किया जाता था ब्राह्मणास को। शलभ होगा, ये लैंड दिया जाता था स्कूल के मेंटेनेंस के लिए। देवादंगा और तिरु मातुका कनी, ये लैंड दिया जाता था टेंपल्स को गिफ्ट किया जाता था। पच्चचंदम, ये लैंड डोनेट किया जाता था जैन इंस्टीट्यूशंस को। हमने देखा है कि जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे उन्हें ब्रह्म दे दिया जाता था, मतलब लैंड ग्रांट दिया जाता था, जिसका नाम था ब्रह्मदे। इसी वजह से जो बहुत सारे ब्राह्मण सेटलमेंट्स थे वो कावेरी वैली के पास थे और दूसरे एरियाज में थे साउथ इंडिया के। जो ब्रह्मदे होता था उसे पूरी एक असेंबली होती थी ब्राह्मण लैंड ओनर्स की, उसका लुक आफ्टर वही किया करते थे। अब जो असेंबली थी वो बहुत ही एफिशिएंटली वर्क किया करते थे, उनके जो डिसीजंस थे उन्हें डिटेल में रिकॉर्ड किया जाता था इंस्क्रिप्शंस में, जैसे टेंपल्स की दीवारों पे। जो एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स का जिन्हें कहा जाता था नगरम, वो भी कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस शहरों में परफॉर्म किया करते थे। इंस्क्रिप्शन जो हमें मिले हैं उत्तर मेरूर, जो कि चिंगलपत्त डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु के, वो हमें बताते हैं कि कैसे सभा को ऑर्गेनाइज किया जाता था। सभा के पास अलग अलग कमिटीज़ हुआ करती थी इरिगेशन वर्क्स को देखने के लिए, गार्डन्स को देखने के लिए, टेंपल्स को देखने के लिए। जो लोग एलिजिबल हुआ करते थे उनका जो नाम है वो एक तरह की लॉटरी मेथड से निकाला जाता था। पाम लीफ की छोटी छोटी टिकट्स बनाई जाती थी, वो एक पॉट में रख दी जाती थी, एक छोटे से बच्चे को बुलाया जाता था और वो अलग अलग टिकट उठाता था। उन टिकटों पर जो लोग एलिजिबल हैं उनकी कमेटी के साथ उनका नाम लिखा होता था। अब एल्सवेयर में हम देखते हैं फ्रेंड्स, चाइना अंडर टैंग डायनेस्टी। चाइना में एक टैंग डायनेस्टी जिसने कम से कम 300 इयर्स तक रूल किया था, उसकी कैपिटल थी ज़ियांग, जो उस समय की सबसे बड़ी सिटीज़ में से एक थी, जिसे टर्क्स, ईरानियंस, इंडियंस और जापानीज़ और कोरियंस ने विज़िट किया था। टैंग एम्पायर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसे एडमिनिस्ट्रेट करती थी ब्यूरोक्रेसी, जिसे एक एग्जामिनेशन के द्वारा रिक्रूट किया जाता था। ये एग्जामिनेशन सबके लिए ओपन था, जो भी इसमें अपीयर होना चाहता है अपीयर हो सकता था। ये सिस्टम जो ऑफिशियल्स को सेलेक्ट करने का था 1911 तक सेम रहा, कुछ चेंजेस के साथ। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें।